They say you only live once. YOLO. You might have seen that. You only live once. They mean, so do as you please. Go and enjoy. You know, have a lot of fun and indulge in the wrong things because you only live once. We say you only live once. So remain focused. It's your one chance to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है, और गर्दिश अय्याम के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग इम्कान आखरत के इस्तेमाल को छोड़कर हतमी तौर पर इनकार आखरत के हक में फैसला कर डालते हैं? क्या इसकी वजह इसके सिवा कुछ और है कि दरअसल इस मसले का आखिरी फैसला वो दलील के बिना पर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश के बिना पर करते हैं? क्योंकि उनका दिल ये नहीं चाहता कि मरने के बाद कोई जिंदगी हो और मौत की हकीकत नीस्ती और अदम नहीं बल्कि खुदा की तरफ से कब्ज़े रूह हो, इसलिए वो अपने दिल की मांग को अपना अकीदा बना लेते हैं और दूसरी बात का इनकार कर देते हैं। हमारी नादानी और बर्बादी यही है और हमेशा से इंसानों की तबाही इसी वजह से हुई है कि ये मौत को भूले। इन्होंने बिल्कुल बुला दिया कि एक दिन दुनिया में नहीं रहना और किस्सा इसी पर ख़त्म नहीं हो जाएगा कि आप मर जाएंगे तो बात खत्म हो गई, बाद में से साहब होना। अल्लाह ताला ने एक एक लम्हे के बारे में पूछना कि वो जिंदगी तुमने कैसी गुजारी। तो दीनदार आदमी जिसके जहन में ये बैठ जाए उसके लिए फालतू चीज़ों के लिए, फजूल बातों के लिए कहाँ वक्त। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम पढ़ाते हैं और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से देते हैं मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। दोनों की मेहनतों के नतायज समराज भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रखे हैं, हालांकि दोनों के काम करने की जगह यही जमीन है। आखिरत की खेती बोने वाले के मुतालिक अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि दुनिया उसे नहीं मिलेगी। दुनिया तो कम या ज्यादा बहरहाल उसको मिलनी ही है क्योंकि यहाँ अल्लाह जल्ला शानहू के लुत्फ आम में उसका भी हिस्सा है और रिस्क नेकोबद सभी को यहाँ मिल रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसे खुशखबरी दुनिया मिलने की नहीं बल्कि इस बात की सुनाई है कि उसकी आखरत की खेती बढ़ाई जाएगी क्योंकि उसी का वो तालिब है और उसी के अंजाम की उसे फिक्र लाहक है। इस खेती के बढ़ाए जाने की बहुत सी सूरतें हैं, मसलन जिस कदर ज्यादा नेक नियती के साथ वो आखरत के लिए अमल सवाले करता जाएगा उसे और ज्यादा नेक अमल की तौफीक अता की जाएगी और उसका सीना नेकियों के लिए खोल दिया जाएगा। पाक मकसद के लिए पाक जराए इख्तियार करने का जब वो तहिया कर लेगा तो उसके लिए पाक ही जराए में बरकत दी जाएगी और अल्लाह इसकी नौबत न आने देगा कि उसके लिए खैर के सारे दरवाजे बंद होकर सिर्फ शर ही के दरवाजे खुले रह जाए। और सबसे ज्यादा ये कि दुनिया में उसकी थोड़ी नेकी भी आखरत में कम अज कम 10 गुनी तो बढ़ाई ही जाएगी और ज्यादा की कोई हद नहीं है, हजारों लाखों गुनी भी अल्लाह जिसके लिए चाहेगा बढ़ा देगा। रहा दुनिया की खेती बोने वाला यानि वो शख्स जो आखरत नहीं चाहता और सब कुछ दुनिया ही के लिए करता है, उसे अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत के दो नतायज साफ साफ सुना दिए हैं। एक ये कि ख्वाब वो कितना ही सर मारे जिस कदर दुनिया वो हासिल करना चाहता है वो पूरी की पूरी उसे नहीं मिल जाएगी बल्कि इसका एक हिस्सा ही मिलेगा जितना अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरे ये कि उसे जो कुछ मिलना है बस दुनिया ही में मिल जाएगा, आखिरत की भलाइयों में उसका कोई हिस्सा नहीं है। जो लोग बस इसी दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं उनकी कारगुजारी का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं। इस सिलसिले कलाम में ये बात इस मुनासिबत से फरमाई गई है कि कुरान की दावत को जिस किस्म के लोग उस जमाने में रद्द कर रहे थे और आज भी रद्द कर रहे हैं वो ज्यादातर वही थे और हैं जिनके दिलो दिमाग पर दुनिया परस्ती छाई हुई है। खुदा के पैगाम को रद्द करने के लिए जो दलीलबाजियां वो करते हैं वो सब तो बाद की चीजें हैं। पहली चीज जो इस इनकार का असल सबब है वो उनके नफ्स का ये फैसला है कि
कि दुनिया और उसके मादी फायदों से बालातर कोई शय काबिल कदर नहीं है और ये कि इन फायदों से मुतमत्ते होने के लिए उनको पूरी आज़ादी हासिल रहनी चाहिए। मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया और अब उनका सारा किया धरा महज बातिल है। आग के सिवा कुछ नहीं है, यानी जिसके पेशे नजर महज दुनिया और उसका फायदा हो, वो अपनी दुनिया बनाने की जैसी कोशिश यहाँ करेगा वैसा ही उसका फल उसे यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जबकि आखिरत उसके पेशे नजर नहीं है और उसके लिए उसने कोई कोशिश भी नहीं की है, तो कोई वजह नहीं कि इसकी दुनिया तलब पसाई की बराबरी का सिलसिला आखिरत तक दराज हो। वहाँ फल पाने का इम्कान तो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जब दुनिया में आदमी की सही उन कामों के लिए हो जो आखिरत में भी नाफे हों। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स चाहता है कि एक शानदार मकान उसे रहने के लिए मिले और वो उसके लिए उन तदाबीर को अमल में लाता है जिनसे यहाँ मकान बना करते हैं, तो जरूर एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाएगा और उसकी कोई ईंट भी महज इस बिना पर जमने से इनकार न करेगी कि एक काफिर उसे जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस शख्स को अपना ये महल और उसका सारा सरो सामान मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही इस दुनिया में छोड़ देना पड़ेगा और इसकी कोई चीज भी वो अपने साथ दूसरे आलम में न ले जा सकेगा। अगर उसने आखिरत में महल तामीर करने के लिए कुछ नहीं किया है तो कोई माकूल वजह नहीं है कि उसका ये महल वहाँ उसके साथ मुंतकिल हो। वहाँ कोई महल वो पा सकता है जो सिर्फ इस सूरत में पा सकता है जबकि दुनिया में उसकी सही उन कामों में हो जिनसे कानून इलाही के मुताबिक आखिरत का महल बना करता है। तो जिंदगी जो हमें मिली हुई है और पता नहीं किस वक्त साथ छोड़ जाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और इम्तिहान भी है। इससे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, एक लम्हा भी इसका जाया नहीं करना चाहिए। ये आदमी कोई दीन का काम करता हो या दुनिया कोई मुफीद काम करता हो जिसको अल्लाह ने हलाल किया, बेकार नहीं इसको जाया करना चाहिए। इसलिए जो कहते हैं कि लाभ व लाभ खेल तमाशे से हम वक्त गुजारना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, जालिम, टाइम पास करने की वक्त तो इतनी तेजी से गुजर रहा कि हमारे रोके रोक नहीं सकते, बस हर लम्हा बिजली की तेज रफ्तारी से गुजरता जा रहा। तो ये गुजारने की चीज तो है ही नहीं, ये तो है कि इसकी भागें आदमी पकड़ कर बैठे, होशियार सवार की तरह रहे, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने लिए मुफीद बना ले, आराम साबित हो जिंदगी, अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो पल्ले कुछ सामान हो जिसकी वजह से मुफरहून में शामिल हो जाए कामयाब होने वाले, जिनकी खेतियां बार आवर हुई, जो बोया जब काटा फरा से ही ना, उसी से हम कहते हैं कि फल्लाह किसान, तो फरा भी यही है कि जैसे किसान जमीन को पहले हल चलाता, उसमें फिर बीज डालता, खाद देता, पानी देता, फिर मुदत के बाद वो खेती जो लहलहाती है, पकता है फिर दाना। तो इसीलिए अल्लाह ने कद अफला और मुफले उन ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये भी एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि देर तक आप 6-7 महीने इंतजार करते हैं फिर वो फसल आपके घर आती है, दाने कोठियों में आते हैं। कुछ वक्फा ऐसा होगा कि यहाँ नेकियों का कोई आपको नहीं नजर आएगा नतीजा, मगर बेफिक्र रहें, नतीजा निकलेगा और जब निकलेगा तो आप नहाल हो जाएंगे, आपके अंदाजों से भी बढ़कर फिर मिलेगा, कामयाब हो। और जिन बदबख्तों ने इसको बस ऐशो इशरत में गुजार दिया कि खेल तमाशे के दिन है, खाओ पियो मजे करो, उनका फिर अल्लाह ताला जिक्र करता है। जहां से भी आप पढ़ें, ये तो एक मकाम मैंने सूरह अल मोमिनून से पढ़ा, हर जगह कुरान झंझोड़ता है कि तू क्यों नादान बना हुआ और अपने आप को बर्बाद करता है, तुम अपने आप को बर्बाद करें, खासिर हुआ अनफुसम, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, अपने आप को तबाह कर रहे, आग में जाओगे चेहरे जल जाएंगे, पीने के लिए तुम्हें पीप मिलेगी, लिबास हो गए गंदक के जिनको आग बड़ी तेजी से छुए, क्या फायदा होगा फिर, लाफिया वाला या ना मरोगे कि जान छूट जाए और ना जिंदा रहने का फिर को मजा होगा, हा? वो मुसीबत की जिंदगी ठीक है, फिर डर जाओ। कुरान मजीद इस बारे में बार बार हमें झंझोड़ता है और हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे है ना नुजुर खबरदार करने वाले वाकयात होते रहते हैं जिनसे सबक लेना चाहे तो आदमी सबक ले सकता है। मसलन हम देखते हैं कि लोग बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, बीमारी भी नजीर में नजर है, अल्लाह की तरफ से इतला देने वाली है कि ये सेहत जिस पर तू नाज करता कि मैं तंदुरुस्त हूँ, कोई गारंटी है कि रहे अभी किसी ऐसे मर्ज में मुबतला हो जाए कि जीना जो है वो मरने से भी बुरा नजर आए, दुश्वार हो जाए।
हर कोई कहे यार अल्लाह इसकी जान ही छुड़ा दे, ऐसा हाल हो जाएगा। तो मर्ज भी जो है ये भी अल्लाह तआला की तरफ से एक नोट्स, ये कुव्वत और सेहत हमेशा नहीं रहनी, डर था कोई पता नहीं किस वक्त आदमी छीन ले। और इसीलिए दीन ने जो इयादत का हुक्म दिया कि जो बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी के लिए, उसमें बहुत सारे फ़ायदों में से उसकी भी दिलदारी है, मगर खुद अपने लिए भी सामान इबरत है कि देखे कि अच्छा बड़ा आदमी था यार बिस्तर पर अब गिर गया, बेबस हो गया। अल्लाह कहता तुझे क्यों अक्ल नहीं आती कि मौत तो मौत है, पहले नहीं तू देखता कितने तंदरुस्त लोग हैं जो नाकारा पड़े हुए। इसलिए अगर तुझे तंदरुस्ती और सेहत मिली हुई है, जैसे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बहुत अच्छे तरीका समझाया कि नेमतान मकबूब दो नेमतें ऐसी हैं कि उनके बारे में लोग बहुत जो है ना बेवकूफ़ी से काम लेते हैं, उनसे सीखते कुछ नहीं, नुकसान में जा रहे हैं। असहत वाला फराब, तंदरुस्ती मिली हुई है या फुर्सत है, दोनों जो है वक़्त मिला। अब ना तंदरुस्ती के बारे में कोई आदमी जानता कि कब छिन जाए, ना यही है कि बाद में कैसे कामों में उलझ जाए कि फिर वक्त ही ना मिले नेक काम करने के लिए, फराग ना रहे। तो फरमाया मकबूलन फी माकसीर, ज्यादा लोग हमाकत से अपने ये दोनों मौके जो जाये करते रहे, ना तंदरुस्त हैं। और अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने जो ये बिशारत दी, अल्लाह के नामात तो अनगिनत है ना, रहमत बहाने ढूंढती है बख्शने के लिए। और कहा जो आदमी तंदरुस्ती के जमाने में या जवानी में दीन के कुछ काम करता था, नमाजें नफल पढ़ता था, जिहाद करता था, वो अगर बीमार हो गया या अब नहीं उसको वक्त रहा, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को ये हिदायत देता कि अब ये बीमारी और इस उम्र में अगर नहीं कर सकता तो वो सारी नेकियां लिखते रहो ये तंदरुस्ती के जमाने में करता था। इसलिए कई सहाबा किराम जो थे ना जब वो बीमार हुए तो रोते थे कि यार हम तंदरुस्ती के जमाने में ज्यादा नेकियां किया करते तो आज वो मुफ्त में मिलती जाती, फायदा उठाते। तो सेहत का छिन जाना, अपने साथी हम कई देखते हैं कि बेचारे बीमार हो, आप देख लें हमारे यहाँ शफीक साहब आते थे हर इजमा में, अब वो बीमार आए उन ऑपरेशन कहते हुए अल्लाह ताला शिफा दे, तंदरुस्ती दुआ भी करनी चाहिए। तो कौन जानता भाई किसको अल्लाह ताला नाकारा करके बैठा दे। और फिर इसके साथ जो बुढ़ापा है इसको हम नहीं रोक सकते हैं, रायत तो शहबा में नजर मनाया, ये खुद जो बुढ़ापा है ये भी मौत की इतला देता है कि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, दीगर तय दिन गया मोहम्मद और गुरु छिप जाना, अब असर का वक्त हो जा रहा, शुआएं दर्द हो रही हैं, वक्त करीब हो गया। अब बुढ़ापे में जो शर्म नहीं करता, इसीलिए हदीस पाक में फरमाया ना कि जिसको 60 साल की उम्र मिली मगर फिर भी गुनाह नहीं छोड़े, अल्लाह ताला उसको उजर करने का भी मौका नहीं, जुबान ही नहीं खोलने देगा कि अब क्या बकवास करना चाहता था, इतना लंबा अरसा तुझे शर्म नहीं आई। तो इसलिए बीमारियां फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा तो ऐसी है कि सारी चीजें फिर छिन जाती हैं, ना वो कुव्वत ना वो टांगों में जोर, हर तरह है जिन चीजों से वो लोगों को डराता था कि देखो मेरे हाथ में डांग है मैं फलाऊं, बस हो गया। अब लोग उसको सहारा देते हैं, गिर जाता है बाजुओं से पकड़ कर उठाते। इसलिए कहा कि ये फिर वक्त नहीं रहेगा, फिर वो अरब शायर की तरह कहना पड़ेगा रालत शबाब यहूद यमन, वो कहता है काश किसी दिन जवानी लौट कर फिर आए बनुख बेराऊ बिमा फाल अल मसीब, तो उससे यार ये शिकवा तो कर लें कि तेरे बाद बुढ़ापे ने हमसे क्या किया, अब ना कान काम करते हैं ना आंखें करती, कहता आए जवानी तो हम बताएं तो सही उसको कि बुढ़ापे ने हमारे साथ क्या किया। ये सारे जो है ना मरले कि बचपन है फिर जवानी है बाद में जवार शुरू होता, अल्लाह का कलाम तो तवज्जो दिलाता, हम देखते भी हैं मगर आंखें बंद होती, सोचते कुछ नहीं। फरमाया बीमार होने वाले साथियों को देखो जो बूढ़े हो चुके हैं कुबड़े हो गए। तो किसी ने पूछा ना हुस्ने तखीली शायरी है कि बात तो वही होती है, उसने नतीजा निकाला था अल्लाह ने उसको समझ दी होती शायर, वो कहते हैं ये कुबड़ा जो हो गया बूढ़ा इस तरह रुकू की तरह और नीचे देख पैर चलता ये क्या ढूंढता है, तो फिर जवाब देता है बूढ़ा पीरी में ढूंढता हूँ जवानी किधर गई, जैसे गुमशुदा चीज जमीन में देखता ना, कहता असल में ये ढूंढ रहा कि वो अब बुढ़ापा आ गया यार वो जवानी कहाँ गई, हर शह जो है वो जो खूबसूरत नजर आता था बस शक्ल नजर आने लगी। तो बुढ़ापा बीमारी और फिर मौत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के सुहाने में लिखा कि वो शेर कहने के हदी नहीं थी, इससे उन्हें दिलचस्पी नहीं, एक शेर सिर्फ जिंदगी में पड़ा वो उस वक्त जब उनके हमासर से उनके पाए के मुहद्दिस से
उनकी भी सुनन है, बहुत बड़े आलम थे, अब्दुल्ला बिन अब्दुल माना दारमी रहमतुल्लाह, इनका सुना कि भाई दारमी फौत हो गए। उस वक्त इमाम को बड़ा सदमा हुआ और ये अशार कहें इश्ता तुफदा बेला हिब्बत कुल्ले, जिंदगी में यार क्या रखा, अगर तू जिंदा रहेगा तो यही है ना कि दोस्तों के सदमे सहता रहेगा, उधर से खबर आ जाएगी फलानी रहा फलानी रहा, यही है जब तक तू जिंदा रहेगा तो अपने दोस्तों के बिछड़ने के गम सहता रहेगा। वह बकाओ नफ्से कला बाला काफ जाऊ, इसलिए जिसको हम जिंदगी कहते हैं ये कहते हो तेरा बाप मर जाए इस जिंदगी में क्या रखा सिवाय इसके कि ये तेरे लिए दुखों की एक पटारी है, दुख है बेटा चला गया बाप चला गया दोस्त चले गए, रोजाना तो ये खबरें सुन, ये शेर उस वक्त पड़ा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो ना अल्लाह कहता है ये नजर है, इतला है, नोट्स है, किसी को बीमारी आ गई वो भी आप लोगों के लिए इतला नामा, वक्त से फायदा उठा लो, ये हालत हो सकती है, बुढ़ापा आ जाए उसको देखो फिर सारी कुवतें मुजमेल हो गई, किसी काम के काबिल नहीं रहा, खुद उठ नहीं सकता, लोग उसको पकड़ कर उठाते हैं। जब इनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर ये लोग ये इल्तिजाएं करेंगे कि अल्लाह दोबारा हमें दुनिया में भेज ताकि जो नेक काम नहीं हमने किए अब कर लें, हरगिज़ ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक बात है जो वो मुंह से बकते रहेंगे, बार बार चिल्लाएंगे और उनके आगे पर्दा हायल हो जाएगा उस दिन तक जबकि वो दोबारा कब्रों से जिंदा करके उठाए जाएंगे, पर्दा रुकावट हो जाएगी दुनिया में आने से। तो जब फिर सूर फूंका जाएगा बिगल बजाया जाएगा तो उस दिन लोग जिंदा हो जाएंगे मगर उनके दरमियान रिश्तेदारी का ताल्लुक जो है इसका कोई एक दूसरे को फायदा नहीं होगा, कोई रिश्तेदार दूसरे को नहीं पूछेगा और ना एक दूसरे की मदद वो मांग सकेंगे ना कोई मदद करेगा। तो जिसके आमार उस दिन नेकी के पड़े वाले भारी निकले वही लोग कामयाब, उन्होंने फलाह पाई, सही मानों में तो वो जीते। और जिनके पर्दे हल्के निकले उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उनका दुनिया में आना उनके लिए खसारे का सबब बना, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, वहाँ उनके चेहरों को आग जलाएगी और ये होंठ जो इस तरह हो जाएंगे जैसे भुनी सिरी होती है, एक ऊपर को चला जाएगा नहीं दांत निकले होंगे, बद शक्ल होंगे, चेहरे उनके बिगड़े हुए होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा कि बदबख्त और बदनसीबो, क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़ी नहीं जाती, तुम्हें अल्लाह का कलाम ना किसी ने सुनाया, सुनाया मगर तुम उसको जुटलाते रहे, पढ़ी जाती थी आयतें बार बार याद दिलाते थे लोग तुम्हें मगर तुम मानते ही नहीं थे कि नहीं कोई क़यामत नहीं कोई हिसाब किताब नहीं, यही दुनिया ऐश से गुजारनी चाहिए। तो फिर ये मानेंगे कि हमारे मालिक हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालबा, हम मानते हैं कि हम बदनसीब हैं मारे गए, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और हम गुमराह लो भूले रहे गलत थे, तो ऐ हमारे रब अब हमें इस दोज़ख में से निकाल, अगर फिर ये काम हम करें जो पहले किए हैं तो फिर वाकई हम अपना आप खुद ही तबाह करने वाले होंगे, एक मौका और दे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा का लखसऊ फीहा, दफा हो जाओ दूर हो जाओ, वला तुकल्लिमून, मुझसे कोई बात ना करो, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इतना मौका दिया मगर तुमने उनसे फ़ायदा ना उठाया। हत्ता इज़ा जा अहदुहुल मौत, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आन खड़ी होगी, काल रब इरजिउन, तो कहेगा परवरदिगार जरा मुझे वापस भेज दे दुनिया की तरफ दोबारा भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, शायद के जो कुछ मैं छोड़कर आया हूँ मालो असबाब मैं उसमें अब काम करूँ, अच्छे नेक काम करूँ, सारा तेरी राह में दे दूंगा, सब सदका कर दूंगा, मुझे जरा से एक मरतबा वापस कर दे, कल्ला हरगिज़ नहीं। इन्हा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये एक बात है जो ये कह रहा है, वमिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब तो इनके पीछे वो बरज़ख का दौर है उस दिन तक के लिए जिस दिन ये उठाए जाएंगे, मौत के बाद बासे बादल मौत तक बरज़ख है। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे, उस वक्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो
कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना छुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर उन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करें जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी। यानी उनका ये कौल दर हकीकत अक्ल व फिक्र के किसी सही फैसले और किसी हकीकी तब्दीली राय का नतीजा न होगा, बल्कि महज मुशाहिदे हक का नतीजा होगा, जिसके बाद जाहिर है कि कोई कट्टे से कट्टा काफिर भी इनकार की जुरत नहीं कर सकता। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ए हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई। और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम न लोगे? दरअसल इसका मतलब ये है कि आखिरत की हकीकी और पायदार जिंदगी के मुकाबले में ये जिंदगी ऐसी है जैसे कोई शख्स कुछ देर खेल और तफरी में दिल बहलाए और फिर असल संजीदा कारोबार की तरफ वापस हो जाए। नहीं, उसे खेल और तमाशे से तशबीह इसलिए भी दी गई है कि यहाँ हकीकत के मख्फी होने की वजह से बेबसीरत और जाहिर प्रस्त इंसानों के लिए गलत फहमियों में मुब्तला होने के बहुत से असबाब मौजूद हैं, और इन गलत फहमियों में फंस कर लोग हकीकत नफ्सुल अवली के खिलाफ ऐसे ऐसे अजीब तर्ज अमल इख्तियार करते हैं जिनकी बदौलत उनकी जिंदगी महज एक खेल और तमाशा बनकर रह जाती है। मसलन जो शख्स यहाँ बादशाह बनकर बैठता है उसकी हैसियत हकीकत में थिएटर के उस मसनूई बादशाह से मुख्तलिफ नहीं होती जो ताज पहनकर जलवा अफरोज होता है और इस तरह हुक्म चलाता है गोया कि वो वाकई बादशाह है, हालांकि हकीकी बादशाही की उसको हवा तक नहीं लगी होती। डायरेक्टर के एक इशारे पर वो माजूर हो जाता है, कैद किया जाता है और उसके कत्ल तक का फैसला सादिर हो जाता है। ऐसे ही तमाशे इस दुनिया में हर तरफ हो रहे हैं, कहीं किसी वली या देवी के दरबार से हाजत रवाइयां हो रही हैं, हालांकि वहाँ हाजत रवाई की ताकत का नामो निशान तक मौजूद नहीं, कहीं कोई गैबदानी के कमालात का मुजाहरा कर रहा है हालांकि गैब के इल्म का वहाँ शायबा तक नहीं, कहीं कोई लोगों का रजाक बना हुआ है हालांकि एक बेचारा खुद अपने रिस्क के लिए किसी और का मोहताज, कहीं कोई अपने आप को इज्जत और जिल्लत देने वाला, नफा और नुकसान पहुंचाने वाला समझे बैठा है और यूं अपनी किबरियाई के डंके बजा रहा है गोया के वही गिरदोपेश की सारी मखलूक का खुदा है, हालांकि बंदगी की जिल्लत का दाग उसकी पेशानी पर लगा हुआ है और किस्मत का एक जरा सा झटका उसे किबरियाई के मकाम से गिरा कर उन्हीं लोगों के कदमों में पामाल करा सकता है जिन पर वो कल तक खुदाई कर रहा था। ये सब खेल जो दुनिया की चंद्रोजा जिंदगी में खेले जा रहे हैं, मौत की साथ आते ही अखलत खत्म हो जाएंगे और इस सरहद से पार होते ही इंसान उस आलम में पहुंच जाएगा जहाँ सब कुछ ऐन मुताबिक हकीकत होगा और जहाँ दुनियावी जिंदगी की सारी गलत फहमियों के छिलके उतार कर हर इंसान को दिखा दिया जाएगा कि वो सदाकत का कितना जौहर अपने साथ लाया है जो मीजान हक में किसी वजन और किसी कदर कीमत का हामिल हो सकता है। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंजलनाहु मिनस समा, इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो ऐसे है जैसे कि पानी जो हम बरसाते हैं बुलंदी से आसमान से, फख्तलत बिही नबातुल अर्ज, तो उसके साथ निकल आता है जमीन से सब्जा। पानी बरसा, जमीन बेआबो गया थी, कोई हरियाली नहीं थी, ना कोई घास है, कुछ नहीं है। बारिश के बाद जो है जमीन के अंदर से ही फिर वो हरियावल उभर कर आ गई है। फख्तलत बिही नबातुल अर्ज, नबात तो जमीन में मौजूद थी, उसको निकालने का जरिया पानी बना है।
مما یاکل الناس جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں ون انعام اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں زمین جب اس میں سرسبز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورے طرح سنگھار کر لیتی ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی ہے وزینت اور خوب مزین ہو جاتی ہے سولہ سنگھار کر لیتی ہے وزن اہلھا انہم قادرون علیہا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے اتاہا امرنا لیلن اور نہارن کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت فجعلناها حصیدا لم تغن بالامس اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت تکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے لیکن جب وقت آئے گا موت کا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں لقومی یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے کاش یہ لوگ جانتے دل کا بہلاوا یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھاریں یہاں جو بادشاہ بن گیا ہے وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی بے سر و سامانی کے ساتھ وہ تخت شاہی سے رخصت ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا اسی طرح زندگی کی کوئی شکل بھی یہاں مستقل اور پائیدار نہیں ہے جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر ایک محدود مدت کے لیے ہے اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ مرے مٹتے ہیں اور انہی کے لیے ضمیر و ایمان کی بازی لگا کر کچھ عیش و عشرت کا سامان اور کچھ شوکت و حشمت کے ٹھاٹ فراہم کر لیتے ہیں ان کی یہ ساری حرکتیں دل کے بہلاوے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں ان کھلونوں سے اگر وہ 10, 20, 60, 70 سال دل بہلا لیں اور پھر موت کے دروازے سے خالی ہاتھ گزر کر اس عالم میں پہنچیں جہاں کی دائمی و ابدی زندگی میں ان کا یہی کھیل بلائے بے درما ثابت ہو تو آخر اس طفل تسلی کا فائدہ کیا ہے کاش یہ لوگ جانتے یعنی اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے کہ دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک مہلت امتحان ہے اور انسان کے لیے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے آخرت کی زندگی ہے تو وہ یہاں امتحان کی مدت کو اس لہو و لعب میں ضائع کرنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرتے جو اس ابدی زندگی میں بہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا یعنی دوست لیڈر پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے
और बाप की शामत आ रही हो तो बेटे में ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि इसके बदले मुझे जहन्नम में भेज दिया जाए। इस हालत में ये तवक्को करने की क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है कि कोई दूसरा शख्स वहाँ किसी के कुछ काम आएगा। लिहाजा नादान है वो शख्स जो दुनिया में दूसरों की खातिर अपनी आकबत खराब करता है या किसी के भरोसे पर गुमराही और गुनाह का रास्ता अख्तियार करता है। इस मकाम पर आयत नंबर 15 का मजमून भी निगाह में रहना चाहिए, जिसमें औलाद को तलकीन की गई थी कि दुनियावी जिंदगी के मामलात में वालदैन की खिदमत करना तो बेशक बरहक है, मगर दीन और एतकाद के मामले में वालदैन के कहने पर गुमराही कबूल कर लेना हरगिज सही नहीं है। अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह के वादे से मुराद ये वादा है कि कयामत आने वाली है और एक रोज अल्लाह की अदालत कायम होकर रहेगी, जिसमें हर एक को अपने अमाल की जवाबदेही करनी होगी। तुम्हें धोखे में ना डाले। दुनिया की जिंदगी सतादी इंसानों को मुख्तलिफ किस्म की गलतफहमी में मुब्तला करती है। कोई ये समझता है कि जीना और मरना जो कुछ है बस इसी दुनिया में है, इसके बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, लिहाजा जितना कुछ भी तुम्हें करना है बस यही कर लो। कोई अपनी दौलत और ताकत और खुशहाली के नशे में बदमस्त होकर अपनी मौत को भूल जाता है और इस ख्याल ख्वाब में मुब्तला हो जाता है कि उसका ऐश और उसका इकतदार लाजवाल है। कोई अखलाकी और रूहानी मकासद को फरामोश करके सिर्फ मादी फवायद और लज्जतों को मकसूद बेजात समझ लेता है और मेयार जिंदगी की बुलंदी के सिवा किसी दूसरे मकसद को कोई अहमियत नहीं देता, ख्वा नतीजे में उसका मेयार आदमियत कितना ही पस्त होता चला जाए। कोई ये ख्याल करता है कि दुनिया की खुशहाली ही हक़ो बातिल का असल मेयार है, हर वो तरीका हक है जिस पर चलकर ये नतीजा हासिल हो और इसके बरअक्स जो कुछ भी है बातिल है। कोई इसी खुशहाली को मकबूल बारगाह इलाही होने की अलामत समझता है और ये कायदा कुलिया बनाकर बैठ जाता है कि जिसकी दुनिया खूब बन रही है खा वो कैसे ही तरीकों से बने वो खुदा का महबूब है, और जिसकी दुनिया खराब है चाहे वो हक पसंदी और रास्तबाजी ही की बदौलत खराब हो उसकी आकिबत भी खराब है। ये और ऐसी ही जितनी गलत फहमियां भी हैं उन सब को अल्लाह ताला ने इस आयत में दुनियावी जिंदगी के धोखे से ताबीर फरमाया है। धोखा देने पाए। अलगरूर यानी धोखेबाज से मुराद शैतान भी हो सकता है, कोई इंसान या इंसानों का कोई ग्रोह भी हो सकता है, इंसान का अपना नफ भी हो सकता है और कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। किसी शख्स खास या शय खास का तायुन किए बगैर इस वसीउल मानी लफ्ज़ को उसकी मुतलक सूरत में रखने की वजह यह है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए फरेब खुर्दगी के बुनियादी असबाब मुख्तलिफ होते हैं। जिस शख्स ने खास तौर पर जिस जरिए से भी वासल फरेब खाया हो, जिसके असर से उसकी जिंदगी का रुख सही सिम्त से गलत सिम्त में मुड़ गया हो, वही उसके लिए अलगरूर है। अल्लाह के मामले में धोखा देने के अल्फाज भी बहुत वसी हैं, जिनमें बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के धोखे आ जाते हैं। किसी को उसका धोखेबाज ये यकीन दिलाता है कि खुदा सिरे से है ही नहीं, किसी को ये समझाता है कि खुदा इस दुनिया को बनाकर अलग जा बैठा है और अब ये दुनिया बंदों के हवाले है, किसी को इस गलतफहमी में डालता है कि खुदा के कुछ प्यारे ऐसे हैं जिनका तकर्रुब हासिल कर लो तो जो कुछ भी तुम चाहो करते रहो बख्शिश तुम्हारी यकीनी है, किसी को इस धोखे में मुब्तला करता है कि खुदा तो गफूर रहीम है तुम गुनाह करते चले जाओ वो बख्शता चला जाएगा, किसी को जबर का अकीदा समझाता है और इस गलतफहमी में डाल देता है कि तुम तो मजबूर हो बदी करते हो तो खुदा तुमसे कराता है और नेकी से दूर भागते हो तो खुदा ही तुम्हें उसकी तौफीक नहीं देता। इस तरह के नामालूम कितने धोखे हैं जो इंसान खुदा के बारे में खा रहा है, और अगर तजिया करके देखा जाए तो आखिरकार तमाम गुमराहियों और गुनाहों और जरायम का बुनियादी सबब यही निकलता है कि इंसान ने खुदा के बारे में कोई ना कोई धोखा खाया है, तभी उससे किसी एतकादी जलालत या अखलाकी बेरारवी का सुदूर हुआ है। और दोजख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी में से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन मुनकिरीन हक पर हराम करती हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। लोग दुनिया की जिंदगी का बस जाहिरी पहलू जानते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल हैं। यानी अगरचे आखिरत पर दलालत करने वाले आसार और शवाहिद कसरत से मौजूद हैं और इससे गफलत की कोई माकूल वजह नहीं है, लेकिन ये लोग इससे खुद ही गफलत बरत रहे हैं। दूसरे अल्फाज में ये उनकी अपनी कोताही है कि दुनियावी जिंदगी के जाहिरी पर्दे पर निगाह जमा कर बैठ गए और उसके पीछे जो कुछ आने वाला है उससे बिल्कुल बेखबर हैं।
ورنہ خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ بَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اللہ اللہ خیر سلام۔ میں نے یہ کہا تھا نا کہ بما قدم و آخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے، مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے۔ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے، لیکن اگر آپ نے مقدم بنا لیا دنیا کو تو پھر آپ گئے۔ بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے، تو اس حوالے سے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے، تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد، تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی، اور آخرت کی آپ کا نفع نقصان بھی قرض ہے ادھار ہے، اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی، انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے، وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے اس قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت، لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو۔ جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا نار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹیڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے میدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ۔ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں، ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ بس الحاکم التکاثر کے معنی ہوئے، تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الحاکم یعنی تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے، تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعی و جہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حق داروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں۔ اس حوث رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
तुमको मालूम हो जाएगा। यानी तुम्हें ये गलत फहमी है कि मताए दुनिया की ये कसरत और इसमें दूसरों से बढ़ जाना ही तरक्की और कामयाबी है, हालांकि ये हरगिज तरक्की और कामयाबी नहीं है। अनकरीब इसका बुरा अंजाम तुम्हें मालूम हो जाएगा और तुम जान लोगे कि ये कितनी बड़ी गलती थी जिसमें तुम उम्र भर मुब्तला रहे। अनकरीब से मुराद आखिरत भी हो सकती है, क्योंकि जिस हस्ती की निगाह अजल से अबद तक तमाम जमानों पर हावी है, उसके लिए चंद हजार या चंद लाख साल भी जमाने का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इससे मुराद मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो तो किसी इंसान से भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, और ये बात मरते ही इंसान पर खुल जाएगी कि जिन मशाकिल में वो अपनी सारी उम्र खपा कर आया है, वो उसके लिए सादत और खुशबख्ती का जरिया थे या बदअंजामी और बदबख्ती का जरिया। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता, तुम दोजख देख कर रहोगे। फिर सुन लो, तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे, फिर जरूर उस रोज तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। इस फकरे में फिर का लफ्ज इस माने में नहीं है कि दोजख में डाले जाने के बाद जवाब तलबी की जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि फिर ये खबर भी हम तुम्हें दिए देते हैं कि तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, और जाहिर है कि ये सवाल अदालत इलाही में हिसाब लेने के वक्त होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुतअद्दिद अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनकूल है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें बंदों को दी हैं उनके बारे में जवाबदेही मोमिन और काफिर सभी को करनी होगी। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने कुफरान नेमत नहीं किया और शुक्रगुजार बनकर रहे, वो इस मुहासबे में कामयाब रहेंगे, और जिन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का हक अदा नहीं किया और अपने कौल या अमल से या दोनों से उनकी नाशुकरी की, वो उसमें नाकाम होंगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए और हमने आपको तरोताजा खजूरें खिलाई और ठंडा पानी पिलाया। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये उन नेमतों में से हैं जिनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। बहवाला मुस्नद अहमद, नसाई, इब्न जरीर, इब्न मुनजिर, इब्न मरदवे, अब बिन हुमैद, बेहकी फिशाब। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर से कहा, चलो अबुल हैसम बिन तैहान अंसारी के यहाँ चलें। चुनाचे उनको लेकर आप इब्न तैहान के नखलिस्तान में तशरीफ ले गए। उन्होंने लाकर खजूरों का एक खोशा रख दिया। हुजूर ने फरमाया, तुम खुद क्यों न खजूरें तोड़ लाए। उन्होंने अर्ज किया, मैं चाहता था कि आप हजरात खुद छांट छांट कर खजूरें तनावल फरमाएं। चुनाचे उन्होंने खजूरें खाई और ठंडा पानी पिया। फारिग होने के बाद हुजूर ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उन नेमतों में से है जिनके बारे में तुम्हें कयामत के रोज जवाबदेही करनी होगी। ये ठंडा साया, ये ठंडी खजूरें, ये ठंडा पानी। इन अहादीस से ये बात वाज हो जाती है कि सवाल सिर्फ कुफार ही से नहीं, मोमिनीन सालहीन से भी होगा। तो खास तौर पर जिन लोगों के अंदर के ये दुनिया की मोहब्बत ज्यादा शदीद होती है, तो उसका एक असर बता रहे हैं कि ये वाकईतन अल्लाह ने फितरत इंसानी में रखी है। इसलिए कि ये दुनिया जो है इसे अल्लाह ने चलाना है, इसकी रौनकें रखनी है जब तक उसकी मर्जी है, कयामत तक तो इसे आबाद रखना है। औलाद पैदा होगी तो दुनिया कायम रहेगी, नस्ल चलेगी। मर्द और औरत की एक दूसरे के साथ कशिश होगी तो औलाद पैदा होगी, और ये तमाम चीजें जो है, दौलत की कोई तलब होगी तो आदमी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, कमाएगा। तो इसलिए ये चीजें फितरत इंसानी में है, ये बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। बस जरूरत इस बात की होती है कि इंस्टिंक्ट्स को दबा कर रखा जाए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की शरीयत को उससे बाला तर रखा जाए। बस ये नहीं है कि इनको खत्म कर दिया जाए। सेल्फ एनिहिलेशन इस्लाम में नहीं है, ये रहबानियत है कि अपने नफ्स को कुचल दो, खत्म कर दो। नहीं, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखो। ये मुंह जोर घोड़ा है नफ्स इंसानी का, लेकिन जितना ताकतवर घोड़ा होगा उतना ही आपके लिए दौड़ तेज दौड़ना जो है वो आसान होगा। लेकिन जितना मुंह जोर और ताकतवर घोड़ा है उतना ही उसे काबू में रखने की जरूरत भी है, वरना अगर उसके रहम व करम पर सवार आ गया तो जहां चाहेगा पटख भी दे देगा। तो इस एतबार से सेल्फ कंट्रोल हो, घोड़ा पूरा काबू में हो। अलबत्ता यह है कि सेल्फ को
अपने नफ्स को इसको कुचल डालना, सेल्फ एनिहिलेशन, ये इस्लाम में नहीं। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائیڈ کی۔ اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے, سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا, وہ سیکس ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے, اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت ہے, اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن واورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا, ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا, وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے, لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح, محبت تو ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, اور بیٹے, انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں, اس کا نام چلتا رہے, بڑھاپے کا سہارا بنے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ, اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں, پیڈگری ہوتی ہے ان کی۔ والانعام, اور مویشی ہوں, مال جو ہے پنجاب میں اور سرائیکی کے علاقے میں مال, مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں, ان حیوانات کو ہیں مال مویشی۔ والانعام والحرث, اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا, بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا, اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو, اپنے تمام جذبات و محلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا, اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا, تو بس آپ گئے, اب وہی ند ہے, وہی اب آپ کا معبود ہے, چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو, وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ایک دن تو موت آ جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور دوسری بات, تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار, تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے, آگ سے, وادخل الجنہ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا, اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دارالآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے, تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر تین, ولا تنس نصیبک من الدنیا, معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا, کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا, جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامن گیر رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے, جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے, اس میں کس نے حرام کیا ہے, وہ رحمانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن, ان کے اوصاف میں سے ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو, اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو, اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ چوتھی چیز, واحسن کما احسن اللہ الیک, اور لوگوں پر احسان کرو, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں, اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے, غریبوں کا, محتاجوں کا, مسکینوں کا, ان کا جو حق ہے
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے, اللہ نے تم پر احسان کیا ہے, یہ دولت دی ہے, تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو.